हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है MMTC लिमिटेड है। MMTC लिमिटेड की बात करें तो 13 पैसे गिराव के साथ 85 रुपए 79 पैसे पे आज क्लोजिंग दिया है। कल का कैंडल देखा है तो कल का कैंडल 80 रुपए से शुरू होकर तकरीबन 91-92 रुपए करीब में गया था, बट आज देखा तो उसी के बीच में ये कैंडल क्लोज कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो एरिया है, ये जो इसका कैंडल का हाई है, इसके ऊपर कल ना क्लोज किया ना आज क्लोज किया है। तो सबसे देखने वाली बात यह है, जब तक इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं करता है, इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक हम पॉजिटिव में नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाने बार जितनी बार गया है उतनी बार यहाँ से रिटर्न लिया। यहाँ पे देखिए 3-4 बार गया, यहाँ पे वापस चला आया, इस बार भी गया। ये कैंडल तो बहुत बड़ा बना है, 91 तक गया, बट उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। और आज का कैंडल भी वहां को टच किया, क्लोज नहीं किया, तो फिर ये ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। ये कैंडल डिसाइड करिए किधर जाना है, क्योंकि आज बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इसको ऊपर जाना या नीचे जाना है। देखिए, जहाँ से शुरू हुआ था तकरीबन इसका ओपनिंग पॉइंट 85 रुपया 90 पैसा है और 85 रुपया 79 पैसे पे क्लोजिंग दिया है। तो जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे एक क्लोजिंग दे दिया है। तो अभी बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऊपर लेकर जाना है नीचे लेकर जाना है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, एक बार कन्फर्म होने दीजिए, इसके ऊपर क्लोज करने दीजिए, फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस 1-2 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। अगर इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता 88 करीब में, तो आप इसका लो, ये वाला कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखेंगे। अदरवाइज सबसे सेफ जोन ये रहेगा कि इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है, फिर आप उसमें एंट्री बना के 95 का फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट आप 99 का रख सकते हैं। तो इसमें इतना ही है, मिलता है अगले वीडियो में। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।